बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 5 और 6 आज के टॉपिक में शामिल है। 5 जो है उसमें आपको गिवन है ये सारी वैल्यू, इसको आपने लेट एक्स के इक्वल रख लेना है। नेक्स्ट काम वही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग बोथ साइड पे लेंगे तो एक्स के साथ लॉग आ जाएगा और अगली जो वैल्यू होंगी वो सम और डिफरेंस की शक्ल में लिखी जाएगी। तो ऊपर वाली सारी सम हो जाएगी, यानी ये प्लस लग गया। नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी डिफरेंस यानी माइनस में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लॉग फाइंड करना। हमने लॉग फाइंड किया है, लॉग 1278 का लॉग इसका और फिर ये लॉग और इसका लॉग। अब यहाँ पे इसका लॉग जो आया था वो माइनस में आया, इसका भी माइनस में आया था, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। अब इनको हमने प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.0482। इसको ये लॉग एक्स आ रहा है हमारे पास, लॉग दूसरी साइड में जाएगा तो एंटी लॉग कहलाएगा। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिया हुआ है, इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू अब 3 दी हुई है, तो 1/3 शुरू में आ गया, बाकी हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेना है। मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ गया और नीचे जो डिवाइड हो रही है उसकी जगह पे माइनस आ गया। लॉग निकाल लेने हैं, फिर इनको प्लस माइनस कर, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस 0.6168। इसको हमने 3 पे डिवाइड किया है तो ये आ गया। अब लॉग उस साइड में जाएगा तो एंटी लॉग, एंटी लॉग हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6229।